और उस वक्त मैंने 23 जनवरी रिलीज डेट मैंने अनाउंस की थी। और तो अब इलेक्शन, और देखिए बाला साहब ठाकरे जी देश को बताने की जरूरत नहीं बाला साहब ठाकरे क्या है। फिल्म तो बनती है, जैसे अभी देखिए बहुत सी फिल्में आती है बायोपिक, पॉलिटिकल मोटिव हमारा अगर होता तो हम और भी काम कुछ कर सकते थे। बाला साहब का विचार, बाला साहब का जो कैरेक्टर है वो आने वाली पीढ़ी जनरेशन के सामने भी आना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को मालूम नहीं है बाला साहब के बारे में, उनकी शुरुआत कैसी हुई, क्या काम किया है लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लिए, यहाँ के स्थानिक लोगों के लिए, देश के लिए, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अब तक जो नई जनरेशन है उनको मालूम नहीं है। हमने करीब से देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपके पास आपके सामने भी ये काम आना चाहिए। और बाला साहब का पूरा जीवन जो रहा संघर्षमय रहा, जैसे आप फिल्म के पर्दे पे देखते हो ना एक मसाला स्टोरी रहते हैं, वो सब उनकी ज़िंदगी में हमेशा रहा है। इसीलिए बाला साहब की पूरी ज़िंदगी एक कहानी है, दंत कथा है मराठी में हम बोले तो। सर इससे कोई पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं होने वाला है इलेक्शन में? हम ये चीप इंडिया नहीं है। Would you be able to answer that as well? There's nothing planned accidents out here. There's nothing accidental about this movie. But Jinka Pura Jeevan, he stayed away from elections personally. So to think that there's political benefit out of it, I don't think that's the fair thing to, you know, think about this. But of course, as an ideology, he was an ideology by himself in terms of what he started off as, right from a kid who couldn't pay his fees in school to making sure that so many people in the state got education, to having a voice which is not just for Maharashtra where we contested elections or contest elections, but across India where we never contested elections. So he went beyond electoral politics, he went beyond politics. So to think that there is any political gain out of it, I don't think it's a fair thing to say. But of course, जो उनकी विचारधारा है, उनकी आइडियोलॉजी है, जो जैसे मैंने कहा कि खुद इंस्पायर होकर खड़ा रहना, कोई इशू लेना हाथ में और फिर कन्विक्शन के साथ आगे जाना, मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने करना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर इंडिया, इट्स अ मेक और ब्रेक ईयर फॉर इंडिया, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स बट एज अ कन्विक्शन, यू नो, दैट यू शुड होल्ड अबाउट इंडिया एंड व्हाट द फ्यूचर लाइज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंग गर्ल्स एंड बॉयज टू थिंक हाउ यू कैन टेक योर ओन लाइफ एंड योर कंट्री अहेड। I think that's well said. इस तरह से आगे पीछे डेट करके आप बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं, चीट इंडिया को भी जस्टिस मिलेगा, इससे आपको भी जस्टिस मिलेगा और दोनों का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा करेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको नाइट लाइफ प्रमोशन के लिए जाना जाता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि लोग रात में भी मूवी देखने जा सकें और इससे वही बिल्कुल वही तो प्रपोजल था मेरा कि जैसे मूवीज़ हो या फिर मॉल्स और मिल कंपाउंड्स हैं, तो वहाँ के जो स्पाज हो, शॉप्स हो, जिम्स हो, थिएटर्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, कैफ़ेज़ हो, वही तो हम चाहते थे कि वो 24 आवर्स खुले रहे, ताकि अगर कोई रात को जाके मूवी देखना चाहता है अपनी फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, घर पर जाके, जैसे हम सब लोग यहाँ जो है, आपका भी कोई टाइम का आता पता नहीं रहता ना, हमारा रहता है, कोई भी कुछ भी हुआ तो हमें भागना पड़ता है, वहाँ एड्रेस करना पड़ता है। तो यही सारे इश्यूज को लेके मैंने वो प्रपोजल लाया है, होपफुली अटका। अभी तो सीएमओ की सिग्नेचर बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले ये दो चीजें होने के बाद हो जाएगी। आई थिंक दैट्स वेल पुट। दो तो अभी इन्होंने ही कहे, माले और मोदी, नीरव मोदी। दो अभी ख्याल में आ रहे हैं, तीसरा राकेश सिंह है हमारा, तो सॉरी बस। हू मी ओरेटर? नो, आई कांट गिव स्पीचेस, आई एक्चुअली जस्ट ट्राई टू हैव कन्वर्सेशंस विद पीपल। लाइक I don't think I would like to compare myself to him because he was a much bigger personality. It would be not fair on either of us, and to think that I can be like him one day wouldn't do justice. Of course, my job would be to whatever he's created, take it 2 steps further than that. But for me to try to emulate such a personality is not the right thing to do. I think he would also prefer me to be myself and
be in the skin I'm comfortable in. No, on that note, I'd like to thank all of y'all. So I'd just like to say thank you for thank all you. Of all the dignitaries for coming here, and thank you for giving us your time. I'd like to invite on stage, very importantly, Mr. Vinod Bhanushali, Mr. Shiv Chanana, and Mr. Anil Thadani. Please come on stage, sir. सुरुवात करणार आहात का?